यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आगे बढ़ेंगे, सोनीपत से बड़ी खबर आ रही है। सोनीपत में महिला ने कांग्रेस नेता पर सोशल मीडिया में बदनाम करने का आरोप लगाया है। जी हां, कांग्रेस नेता पर सोशल मीडिया में बदनाम करने का आरोप लगाया है एक महिला ने, और साथ ही छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए गए हैं। तो कांग्रेस नेता पर संगीन आरोप लगते यहां नजर आते हैं। 2.5 साल से कर रहा था तंग और शारीरिक संबंध बनाने की कर रहा था जिद, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। आरोपी का नाम सोनीपत कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेश खनगवाल बताया जा रहा है और मामले की जांच फिलहाल पुलिस के हाथ में है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कितना सत्य है, कितनी आरोपों में सच्चाई है, इस सब बातों की पड़ताल कर रही है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, महिला की तरफ से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं और साथ ही ये भी कहा गया है कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो दबाव बना रहा था। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सोनीपत से हमारे संवाददाता उमेश कुमार। उमेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? काफी संगीन आरोप लगाए गए हैं महिला की तरफ से। देखिए, महिला ने जो पूरा मामला है कि महिला 2015 में जब इनकी शादी भी नहीं हुई थी, किसी एक एनजीओ ग्रुप में इन्होंने ऐड हुए थे जी, जहां से राजेश ने इनका नंबर लेके बाय फेसबुक और व्हाट्सएप से चैटिंग करना शुरू कर दिया जी, और कई बार इनको इनको मतलब फोर्स किया कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए जी, लेकिन महिला ने मना कर दिया, यहाँ तक कि उनको एक थप्पड़ भी मार दिया। तो उसके बावजूद भी, और फिर उसकी शादी होने के बावजूद भी ये मोनिका को परेशान करता रहा जी, असली फोटो भेजता रहा, असली मैसेज भेजता रहा। तो अभी उसके चलते मोनिका ने सिटी थाना सोनीपत में इसके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है जी। जैसे फोटो जो मिले हैं उससे लग रहा है कि मतलब जो राजेश खनगवाल है वो कांग्रेस का सोनीपत से जिला उपाध्यक्ष अपने आप को बताता है जी। जैसा कि फोटो में देखा गया कि राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, यहाँ तक कि सोनिया गांधी के साथ भी उनके फोटो हैं जी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सवालों के घेरे में घिरती नजर आती है। क्या किसी कांग्रेस के अधिकारी से, कांग्रेस के किसी नेता से, सीनियर नेता से आपकी बात हो पाई है? नहीं, अभी अभी उनसे बात नहीं हो पाई हमारे किसी से जी। तो उमेश, पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ जांच कर रही है पुलिस? जैसा कि हमने हमारी SHO साहब, SHO सिटी सोनीपत से बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास ये FIR हुई है और हम इस मामले की जांच कर रहे हैं जी। जी, सारी जानकारी जी, सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश। तो कहीं ना कहीं अपने आप को कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष बताता है राजेश, और जिस पर आरोप लगाए गए हैं एक महिला की तरफ से कि सोशल मीडिया में उसको बदनाम किया उस शख्स ने, उस राजेश नाम के कांग्रेसी जिलाध्यक्ष ने, और छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए हैं महिला ने, और साथ ही ये भी कहा है कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुझ पर लगातार दबाव बना रहा था। ये तस्वीर है उस शख्स की, राजेश नाम का ये शख्स, जो अपने आप को कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष भी बताता है। और सोशल मीडिया पर अगर बात की जाए तो राहुल गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक के साथ और हुड्डा के साथ भी इस शख्स की फोटो आप देख सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं।